कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोऑर्डिनेटर अख्तरी निजामी शहजादा के दोनों साहबजादे साकिब शहजादा और बॉबी शहजादा और शादाब शहजादा और उनके दोस्तों की तरफ से लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की गई और लोगों से ये अपील की गई कि लॉकडाउन के पेश नज़र अमन और शांति और नहायत सादगी के साथ इस साल ईद मनाएं। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर मौजूद बॉबी शहजादा ने क्या कहा। कोऑर्डिनेटर अख्तर निजामी शहजादा और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से वार्ड के तमाम लोगों को और तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों बहनों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। इस साल हम लोगों का ईद थोड़े सादगी से हुआ है, पर हम लोग अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि इस बार ईद आने वाला दिन लोगों के लिए खुशहाली से भरा हो, तमाम बीमारियाँ, तमाम वायरस ख़त्म हो जाएँ, लॉकडाउन का ये माहौल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जो एक कुदरती कहर जो हम लोगों को आया था ये जो हम लोगों के ऊपर से गुजर गया है, इंशाल्लाह ताला यही उम्मीद करते हैं इस ईद के मौके पर कि आइंदा ऐसे दो किस तरह के मौके को दोबारा हम लोगों को सामना ना करना पड़े। यही कहते हैं शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, तीनों मुल्क जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बॉबी की टीम जिंदाबाद। पैंतीस के लोगों को हम सबको तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे काउंसिल की डॉक्टर सलीम साहब अख्तर सयादी इस काउंसलर की तरफ से ये बहुत खुशानियत बात है कि हम लोग 135 नंबर वार्ड में बहुत निजी साथ ईद मना रहे हैं और ये जो है दरअसल सादगी के साथ मनाना चाहिए और अमन अमान बरकरार रखते हुए ये काम करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।